brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. भारत लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा और दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी से दंग कर रहा। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो है भारत के DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक को बता दिया कि भारत अपनी मिसाइलों से जवाब भी दे सकता है और इन्हें बेचकर डिफेंस सेक्टर का राजा भी बन सकता है। अब भारत के पास एक ऐसी मिसाइल है जिसका परीक्षण तो 3 साल पहले ही भारत ने कर लिया था, लेकिन उसकी गूंज आज भी चीन पाकिस्तान के पसीने छुड़ा देती है। चलिए जानते हैं आखिर कौन सी है ये मिसाइल और ये मिसाइल कितने दूरी तक मार करने में सक्षम है। दरअसल भारत की शौर्य मिसाइल का नाम सुनते ही जहां पाकिस्तान दुम दबाकर भाग जाता है, वहीं पाकिस्तान की हेकड़ी गुम हो जाती है। 3 साल पहले भारत ने शौर्य मिसाइल के ऐसे नए वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था जिसको ऑपरेट करना बेहद आसान है। ये मिसाइल करीब 800 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट कर सकती है और इसीलिए ये परीक्षण चीन और पाकिस्तान को चुभ रहा है और इसकी चर्चा होते ही चीन पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। शौर्य जमीन से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है, ये अपने साथ न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकती है। अब चलिए हम आपको बताते हैं इस मिसाइल की उन खासियतों के बारे में जिनकी वजह से चीन पाकिस्तान काफी डर जाते हैं। ये मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जमीनी स्वरूप है। ये मिसाइल 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने से पहले आवाज की 6 गुना रफ्तार से चलती है, फिर उसके बाद ये टारगेट की ओर बढ़ती है। ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है लेकिन क्रूज मिसाइल की तरफ खुद को टारगेट तक गाइड कर सकती है। इस मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि सीमा पार बैठे दुश्मन के रडार इसे डिटेक्ट ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए 400 सेकंड से भी कम का वक्त मिलता है। खैर ये तो रही शौर्य मिसाइल की बात, लेकिन अभी हाल में भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो कि इस वक्त दुश्मनों के खेमे में कहर मचा रही है। अब आपका क्या कुछ कहना है शौर्य मिसाइल को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।